जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के चंडीगढ़ अध्याय जीतो चंडीगढ़ चैप्टर द्वारा 23 जून को कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग कार्यक्रम में लगभग 50 सदस्य शामिल हुए। मुख्य तौर पर मोहाली की डिप्टी कमिश्नर IAS अशिका जैन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उनके साथ IRS अधिकारी गौरव जैन ने भी समारोह में भाग लेकर दोनों अधिकारियों ने योग किया। मौके पर आशिका जैन ने जीतो की योग दिवस मनाने की पहल को करने के लिए आभार व्यक्त किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं IAS आशिका जैन ने क्या कुछ कहा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हम जीतो चंडीगढ़ के सौजन्य से इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष में यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को योगा में भाग लेने के लिए, इसको अपने जीवन का पाठ बनाने के लिए और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ जीतो चंडीगढ़ के इस इनिशिएटिव का, जिसमें कि पहली बार मैं समझती हूँ कि जैन समाज की तरफ से ये पहल की गई कि कम्युनिटी के तौर पर योग का प्रचार और योग की प्रैक्टिस हम एक साथ मिलकर करें। मैं समझती हूँ कि योग का जैन धर्म के साथ बहुत ही घनिष्ठ नाता है, क्योंकि मेरी थोड़ी समझ है लेकिन वो यही है कि जैनिज्म का सार तो यही है कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, और जो हम अपना बाहरी स्वरूप समझते हैं और जो हमारी अंतरात्मा है उसमें उसका योग कर पाना। और इसी तरह योग को अपने जीवन शैली में लाकर हम ना सिर्फ बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं बल्कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अंदर की शांति और इंद्रियों के ऊपर अपने ऊपर कंप्लीट कंट्रोल पा सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आरजू जी का, जिन्होंने बहुत ही एक, मैं समझती हूँ नए तरीके से, मैं भी 10-15 साल से योग कर रही हूँ बट ये मैं पदम टेक्निक मैंने भी आज पहली बार देखी एंड आई थॉट ब्रीदिंग के हिसाब से भी और स्ट्रेंथ के हिसाब से भी आई थिंक इट इज़ अ वेरी यूजफुल प्रैक्टिस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बाकी क्योंकि जीतो चंडीगढ़ की नई शुरुआत हो रही है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे ये भी अनुरोध करूँगी कि हम और अपने साथियों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आसपास के मेंबर्स को इनकरेज करें, मोटिवेट करें कि इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे, क्योंकि मैं जीतो से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जीतो के सारे देश में इतने सैकड़ों चैप्टर्स हैं और वो लोग बहुत आगे हैं। अभी मैं पीछे कोयम्बटूर में थी, मेरे फादर की सर्जरी थी, तो वहाँ मेरा कोयम्बटूर तमिलनाडु में जो हमारे जैन परिवार हैं उनसे मेल हुआ, तो वहाँ लेडीज़ ने एक जीतो स्पोर्ट्स ग्रुप बनाया हुआ है और वो हर संडे या तो कोई क्रिकेट मैच या कोई बास्केटबॉल मैच अपने तरफ से ऑर्गेनाइज करके, सिर्फ इसलिए कि डेली बेसिस पर वो फिटनेस बनी रहे, एक मोटिवेशन रहे कि हमें घर से बाहर अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है, और ना सिर्फ उनके लिए, उनके सारे परिवारों के लिए बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है कि उनके बच्चे जब मदर्स को देखते हैं कि मदर सुबह प्रैक्टिस करने जा रही हैं, संडे को क्रिकेट मैच खेल रही हैं, तो दे ऑल्सो फील वेरी मोटिवेटेड। हमें ये भी मान के चलना चाहिए कि जैन समाज में एक कुवृत्ति भी है, वो ये खाना,